हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला एग करी। एकदम यूनिक रेसिपी है और यूनिक स्टाइल में आज हम बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। देखिए इस रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कढ़ाई पे 2 कप पानी डालेंगे, उसके बाद डालेंगे बढ़िया सा 1 लाल टमाटर, 2 मीडियम साइज का प्याज और 4 अंडे। थोड़ा सा नमक डाल के हल्के हाथों से मिला लेंगे, ध्यान से अंडा तोड़ ना जाए। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए उबालेंगे। 10 मिनट हो गया है, प्याज और टमाटर और अंडे अच्छे से बॉईल हो गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे प्लेट में निकल कर। अंडा को अच्छे से सर्व कर लिया है, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। तो सभी अंडा को इस तरह से कट कर लिया है। अंडे के ऊपर एक एक करके मसाला डाल देते हैं। पहले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिलाकर इसे तेल के अंदर डालेंगे तलने के लिए। इसके लिए कढ़ाई पे तेल डालना है, तेल को अच्छे से गर्म भी करना है। तेल गर्म होते ही अंडा को तेल के अंदर एक एक करके डालेंगे और अंडा को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए फ्राई कर लिया है, इसको प्लेट में निकल लेते हैं। इस तरह से अंडा को कट करने से जो मसाला है वो अंडा के अंदर तक जाएगा और अंडा को खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए जबरदस्त लग रही है अंडा को देखने में। उसी तेल में डालेंगे जीरा और सूखा लाल मिर्च। जीरा को हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो तेल के अंदर जाए। इसमें हम अभी डालेंगे प्याज, जो बॉईल किया था उसको मैं पेस्ट करके डाला है। अच्छे से भूनेंगे, भूनने के बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छे से भूनना है। उसके बाद डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो मैंने टमाटर बॉईल किया था उसको भी अच्छे से पेस्ट करके डाला है। डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर कलर के लिए और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। फिर से मसाला को भूनना है। तो जब अच्छे से मसाला भूनेगा तभी मसाला का कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो उसके बाद डालेंगे जीरा 1 टीस्पून और पॉपी सीड का पेस्ट और 1 टेबलस्पून दही। अच्छे से मिलाना है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इस वक्त थोड़ा सा पानी डालकर मसाला को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि दही डाला है तो इसके लिए मसाला को भूनना है, नहीं तो खाने के टाइम खट्टापन लगेगा। तो मसाला को अच्छे से भून लिया है। अभी 5 से 6 पीस काजू ऐड करेंगे, ये ऑप्शन है, इसको आप पेस्ट करके भी डाल सकते हो। तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अभी फ्राई किया हुआ अंडा को डालेंगे। इस तरह से मसाला तैयार करके मैंने फर्स्ट टाइम करी बनाया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डालें, धनिया का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। आपको इस तरह सा मसालेदार अंडा चाहिए तो इस तरह से भी खा सकते हो, और थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा टाइम के लिए भूनना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, इसे आप बनाकर गर्मा गर्म राइस के साथ और रोटी के साथ अच्छे से खाएं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ में लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।